हैप्पी न्यू ईयर पहले बताइए, नया साल में स्वागत है आप दोनों के। आपके जोड़ी के बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब तोता मैना की तरह आप लोगों को प्यार नोक झोंक होता है ना, तोता मैना की तरह होता है। क्या बोलना चाहते हो जिसके? बस खुश हैं हम, लोग पसंद करें हमारी जोड़ी को, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये नोक झोंक आपको जो चलता रहता है, कभी आप ठंडा हो जाते, कभी वो कहे मतलब मैडम ठंडा हो जाते, लेकिन ट्यूनिंग आप लोगों को इतना मतलब कैसे आप लोग मैनेज कर लेते हैं? हम तो फैमिली के साथ ही थे, हमारी माता जी के घर पे। क्या बात है। और मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ थी इस बार, क्योंकि मैं बड़ौदा से हूँ, तो इस बार पहली बार चार छुट्टियां हमें ऐसे एक साथ मिली थी, तो बस मम्मी डैडी से मिली और 31st उनके साथ किया था इस बार। इससे बड़ा खुशियाँ नया साल किसी को हो ही नहीं सकते, फैमिली के साथ अपने आप मनाए। अकेले तो लोग कोई भी करते हैं, लेकिन फैमिली के साथ किस्मत वाले ही करते हैं। ये बात हो गया सर आपकी लाइफ का 2023 में, कुछ नया ये तो चल ही रहा है आपका, कुछ होता है ना सर हटके कुछ लाइफ में, चाहे जिम ज्वाइन करे या नया योगा करे या नया कुछ करे, क्या करने वाला नया आप दोनों? रेजोल्यूशन नए साल का? हाँ, बकेट लिस्ट। नए साल का तो रेजोल्यूशन यही है कि इस बार ज्यादा पॉजिटिव रहे, ज्यादा गुड लाइट में हर चीज को समझे और देखे। बस पॉजिटिविटी से तो मतलब मुझे लगता है एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो बस ज्यादा पॉजिटिव रहे, ज्यादा ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ को देखे और ग्रेटिट्यूड में जाए। आप कैसे? डिटो डिटो यही मैंने भी परसों ये तय किया कि जितना हो सके शांत मन रखना है। यस, और पॉजिटिविटी के साथ चलना। तो ये हो गया सर लाइफ का। अब आप क्रिश शो के बात कर रहे हैं, तभी हम काफ़ी दिन बाद है, क्या मतलब बीच में क्या हुआ कुछ बताएंगे आप? क्या बीच में मतलब बीच में क्या क्या हुआ? 10 दिन बाद हम खुद आ रहे हैं, तो बीच में क्या क्या हुआ आप लोगों को, सीन नोक झोंक क्या हुआ कुछ बताएंगे? मतलब सीरियल में? हाँ, शो में तो हमारा खुद का भी मतलब 4-5 दिन का ऑफ था, तो हम भी 31st मना रहे थे, नया साल मना रहे थे, तो यहाँ पर इसके अलावा ज़्यादा कुछ रिवील भी नहीं कर सकते जितना। हाँ ये तो है, लेकिन कौतन जो टेलीकास्ट हो चुका होगा या कुछ की होंगे सीन होने वाला, वही जो सस्पेंस अभी शुरू हुआ है हमारा। क्या बात है, बाकी फैमिली में देख रहे हो या टाना ट्विस्ट अभी, तो आप देखोगे कि कैसे हम सब इस स्टोरी में या इन पास्ट की जो बातें उनसे जुड़े हुए हैं, बस वही धीरे धीरे रिवील हो रहा है और वही शूटिंग चल रहा है, तो आप जैसे देखते जाओगे आपको समझ आता जाएगा कि कौन किरदार कहाँ पे क्या पार्ट प्ले कर रहा है उनकी स्टोरी में। जाते जाते आपके आखिरी सवाल, 3 एज लड़कियों के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं जिंदगी से, उसके लिए क्या एडवाइस? अगर हो सके कि आप तो कपल शादीशुदा हो तो कुछ हो एक्सपीरियंस हो, तो भाई लाइफ में थोड़ा संभल के चलना है, क्या बोल सकते हो? नहीं, आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो खुल के हमने पूछ, हाँ नहीं खुल कर सकते हम उसके बारे में बात ना करें, लेकिन इसके अलावा बस ये जो जिस तरीके की घटना जो स्ट्रेस हम लेते हैं और अपने आप को देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा बच के पॉजिटिवली जिए, और जीवन की ये जो समस्याएं आती रहती, जिसे हम समस्या मानते हैं उसे उतना सीरियसली ना लें, लाइफ को एंजॉय करें। आपसे पूछना था मैम, आप भी एक बेटी हो माँ की, हर माँ चाहते अपने बेटी को अच्छे संस्कार दो अच्छे करो, माँ से बढ़ के बॉयफ्रेंड होता है माँ बड़ा होता है? देखिए कौन किसके लिए कब बढ़ के हो जाता है वो तो मैं तो नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि माँ से बढ़कर तो ऐसे आइडियली तो कोई होता ही नहीं है जो अपना खून जला के आपको पैदा करती है, बड़ा करती है उसके बाद, तो होना तो नहीं चाहिए। बट जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में कहा गया है कि पति भी तो परमेश्वर होता है, लेकिन पति अलग हुआ आजकल का लड़के जो पति अलग है, जो भी देखो बॉयफ्रेंड सक्सेस नहीं होता ना, हस्बैंड के बाद अलग होता है आपका लाइफ, हस्बैंड के साथ भी डिवोर्स होता है अलग, लेकिन वो अलग लाइफ होता है झेलना है, लेकिन बॉयफ्रेंड क्या होता है अलग चीज होता है, आपको शादी नहीं हुआ उसके लाइफ में पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड होगा कितना क्या, पर माँ सबसे पहले मतलब ख्याल से माँ ही बिटर है। माँ तो, माँ को तो देखो कोई रिश्ता वो रिश्ते को तो बीट ही नहीं कर सकता है जो आपको अपने आप में से बनाती है, जो आपका सर्जन करने में आपकी मदद करती है, उस वो तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो वो तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो माँ से बढ़कर तो मुझे नहीं लगता कि कोई होना चाहिए। वही वही एग्जैक्टली हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, माँ बाप कभी अपने बच्चों को गलत राह पर नहीं दिखाते। अच्छा, आपके भी बच्चे होंगे, आपने अच्छे ही सोच के तो थप्पड़ भी मारे होंगे, अच्छे ही सोच के करे होंगे, ताकि गलती क्यों नेक्स्ट टाइम गलती ना करे। लेकिन आज का नौजवान लड़का लड़की जो होता है ना, उस बात को लेकर माँ बाप से रूठ जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये ना हमारे भी, मेरा भी टीनेजर लड़का है, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है आजकल, समझ में नहीं आता
कि इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है बच्चों में, या फिर इतना स्ट्रेस बढ़ गया है कि हम भी बड़े हुए हैं, मतलब इतना कभी ऐसा था नहीं कि हमारे माँ बाप को कभी डर लगा हो हमें बड़ा करने में कि ये रूठ जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। ये जो डिप्रेशन है जो बड़ा चल पड़ा हो, जो तो ये फियर या तो पता नहीं क्रिएट किया हुआ है या जेन्यूनली ये पनप रहा है हमारे बीच में, लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है। राइट राइट, जिस तरह हम ग्रोथ कर रहे हैं देश में, हम लोग सब ग्रोथ कर रहे हैं, उस तरह हमारा हाथ में मोबाइल आ गया, 4G 5G आ रहा है। मेरे को लगता है जब से ये 4G 5G आए ना, तब से यंग जनरेशन लगता है, आप लोगों को नहीं लग रहा कि तब से हमारे बच्चे हाथ से निकल रहे जब से ये मोबाइल 4G 5G है तब से? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा। देखिए, हर इन्वेंशन जो होगा, जो ग्रो करेगा सोसाइटी को, उसके गुड और बैड तो होने ही वाले हैं। अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप एजुकेटेड हो, आपको समझ है, तो हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से उस चीज़ का उपयोग या दुरुपयोग करता है, तो वो तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी जिनके इन्फ्लुएंस में हम गलत कर लेते थे। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने पे भी लोग इन्फ्लुएंस होके उससे भी गलत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 5G 4G या टेक्नोलॉजी या ऐसा, बट हाँ, सोशल मीडिया ने एक चीज़ तो कर दी है कि सब ओपन बहुत कर दिया है, पलगल ज्यादा कर दिया लोगों ने, जिससे रील के चक्कर में आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बोले ना, पढ़े लिखे लड़का लड़की बैकफुट हो गई है, पढ़े लिखे लड़का लड़की भी मतलब सतही हो गया है, मतलब जो जितना शैलो लेवल पे शुरू हो गया है सब। चलिए, एनीवे आपको हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों का, ऐसे लाइफ खुशहाल जुड़ी रहे। थैंक यू, थैंक यू।